हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट कंप्यूटिंग को डिस्कस करेंगे और लेटर वीडियोस में हम उससे रिलेटेड बाकी के सारे चैप्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में जनरली हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग है क्या और सॉफ्ट कंप्यूटिंग को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। सबसे पहले वी हैव टू नो व्हाट कंप्यूटेशन इज। आपने जनरली कंप्यूटर के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड आईपीओ साइकिल। यानी कि हम कुछ इनपुट देते हैं, कुछ इनपुट के ऊपर आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर कुछ प्रोसेसिंग करता है बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल मॉडल, बाय यूजिंग सम लॉजिक्स, और उन लॉजिक्स के बाद वो हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटेशन भी किसी भी तरीके का एक कैलकुलेशन है जिसमें अर्थमेटिक या नॉन अर्थमेटिक स्टेप हो सकते हैं, और वो एक वेल डिफाइंड मॉडल को यूज करता है जिसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। उस एल्गोरिथम में कुछ इनपुट्स हमें प्रोवाइड करने होते हैं, उन इनपुट के बेसिस पे वो कुछ कंप्यूटेशन अप्लाई करता है और हमें एक आउटपुट देता है। तो अगर मैथमेटिकल टर्म्स की बात करें तो वी हैव सम एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स विल बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ सम प्रोसीजर्स, सम मॉडल्स, और इट विल गिव अस सम आउटपुट दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंस। एज यू कैन से इन दिस डायग्राम, एफ एक्स इज अ फंक्शन दैट इज कंप्यूटिंग ओवर एक्स। एक्स इज द एंटीसीडेंट और इनपुट, और हमें वाई एज अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस मिल रहा है, दैट वी विल गेट इन दिस वन। तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एक कंप्यूटेशन बोल सकते हैं। अब अगर हम कंप्यूटेशन की कैटेगरीज की बात करें तो दो तरीके के कंप्यूटेशन होते हैं, हार्ड कंप्यूटिंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग। हार्ड जैसा कि नाम बता रहा है, समथिंग वेरी हार्ड। अगर कोई चीज हार्ड है तो उसमें जनरली हम किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है। हम उसको मोल्ड कर सकें, उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, नहीं। हमको लोहे से कुछ हमारे पास आयरन है, हमारे पास स्टील है, उससे हम कुछ ढांचा बनाना चाहें, कुछ स्टैचू बनाना चाहें, कोई आर्किटेक्चर बनाना चाहें, तो हमें उसे पिघलाना होता है, उसे सॉफ्ट करना होता है। हार्ड फॉर्मेशंस में चेंजेस इतना ईजी नहीं होता। तो हार्ड कंप्यूटिंग भी कुछ उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारे पास पहले से प्रिसाइज रिजल्ट गारंटीड होता है। जो कंट्रोल एक्शन, जो हम फंक्शन या जो हम एल्गो यूज करते हैं वो अनएम्बिगुअस होता है, और कंट्रोल एक्शन या एल्गोरिथम प्रीवियसली डिफाइंड होता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल के फॉर्म में लें, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसे हमें सॉल्व करना है, या आपने सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़ी है, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो सपोज हम सर्चिंग कर रहे हैं, हमने लीनियर सर्च अप्लाई किया, तो लीनियर सर्च अपने आप में अनएम्बिगुअस है। वी डोंट हैव एनी अदर कॉन्सेप्ट, एनी अदर एल्गोरिथम जो लीनियर सर्च के नाम से जाना जाए, तो एम्बिग्विटी नहीं है वहां पे, और एक प्रीडिफाइंड एल्गोरिथम है जिस एल्गोरिथम के बेसिस पे हमें एक प्रिसाइज रिजल्ट की गारंटी है कि हम उस स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करके उसकी पोजीशन को फाइंड कर लेंगे, राइट? तो दिस इज व्हाट हार्ड कंप्यूटेशन इज, कि वहां पर पहले से ही सब कुछ फिक्स है, हम उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं कर सकते, राइट? सॉफ्ट कंप्यूटिंग ऑन द अदर हैंड प्रपोज बाय एले ज़दा, जो इन्वेंटर है फजी लॉजिक के, उन्होंने उसको डेफिनेट कैसे किया कि अनलाइक हार्ड कंप्यूटिंग इट इज अ टॉलरेंट ऑफ इम्प्रेसेशन। व्हाट इज इम्प्रेसेशन? इम्प्रेसेशन का बेसिक मींस लैक ऑफ एक्यूरेसी है, यानी यहाँ पर एक्यूरेसी की कमी है, कंप्लीट एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अनसर्टेन है, पूरी तरीके से सर्टेन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जो रिजल्ट है वो पार्शियली ट्रुथ है, और अप्रॉक्सीमेशन है, एक अप्रॉक्सीमेट लेवल पे आपको आउटपुट मिल रहा है। तो सी जनरल की बात करें तो कोई भी चीज़ आपको जो रिजल्ट मिल रहा है अब वो उतना अप्रॉक्सीमेट नहीं है, सर्टेन नहीं है, पूरी तरह ट्रुथ नहीं है, वो पूरी तरह कंप्लीट या एक्यूरेट नहीं है। तो दैट वी आर गेटिंग इन से सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ठीक है? जबकि हार्ड कंप्यूटिंग में ये सारी चीज़ें थी जिसको हम खूबियां बोल रहे हैं कि सर्टेन है, पूरी तरह सही है, प्रिसाइज है, अप्रॉक्सीमेट है। बट इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग वी आर गेटिंग ए डिफरेंट वन। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? ठीक है, बेनिफिट ये है कि ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो है वो ह्यूमन माइंड को अपना एक रोल मॉडल लेके चलता है। जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम काम करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि एवरी टाइम वट एवर डिसीजन वी आर टेकिंग इज प्रिसाइज, जो भी हम काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सर्टेनली ट्रुथ है। कुछ ना कुछ लेवल तक अनसर्टेनिटी होती है, इम्प्रेसेशन होता है, लेकिन हम एक बेहतर चीजों को कर सकते हैं देन ऑफ द हार्ड वे, उसको अपने तरीके से मोल्ड नहीं कर सकते, बट इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग वी कैन मोल्ड इट। तो व्हाट वी आर गेटिंग आफ्टर दिस, जब हम एक्सप्लॉइट द टॉलरेंस ऑफ इम्प्रेसेशन, अनसर्टेनिटी, पार्शियल ट्रुथ एंड अप्रोक्सीमेशन, उससे क्या हो रहा है? वी आर अचीविंग व्हाट? ट्रैक्टेबिलिटी। ट्रैक्टेबिलिटी व्हाट? कि हम किसी चीज को इजिली कंट्रोल कर सकें, किसी चीज को समझा सकें, रोबस्टनेस, विपरीत परिस्थितियों में भी ढंग से काम कर सकें, और लो सॉल्यूशन कॉस्ट, काफी कम सॉल्यूशन,
कम पैसे में, कम कॉस्ट में हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकें. तो दैट इज नॉट द बेनिफिट ऑफ दिस वन इंस्टेड ऑफ हार्ड कंप्यूटिंग, जिससे हमें बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला, कोई मैथमेटिकल मॉडल की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले से बना के कुछ एल्गोरिथम फिक्स करके रखे. कोई प्रिसाइज सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है और अडैप्टिव है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अडैप्टिव एल्गोरिथम जो एडजस्ट करेगा डायनेमिक एनवायरमेंट में. जैसे कि हम बोले कि हमारे पास एक फंक्शन है, दैट फंक्शन इज टेकिंग टू आर्ग्यूमेंट्स राइट नाउ, और बाद में हम कहें कि उसमें हमको चार आर्ग्यूमेंट, छह आर्ग्यूमेंट, आठ आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो वो हम जनरली एल्गोरिथम जो अभी तक हम हार्ड कंप्यूटिंग में कर रहे थे उसमें नहीं कर सकते. बट इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग यू कैन डू इट, बिकॉज जो एल्गोरिथम है वो अडैप्टिव है, वो अपने अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग अपने को चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारा ह्यूमन माइंड होता है, करता है. तो इसलिए दिस इज बेसिकली द बेनिफिट ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग, वी कैन से. कंपोनेंट्स बेसिकली क्या है? मशीन लर्निंग, फजी लॉजिक, इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम एंड प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग. ये चार स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं जिसपे हमारा, जो हमारा सॉफ्ट कंप्यूटिंग का टोटल कॉन्सेप्ट है, दैट इज बेस्ड ऑन दीज फोर कंपोनेंट्स. मशीन लर्निंग, यू ऑल नो मशीन किस तरीके से काम करते हैं, ये स्पेसिफिक वो एरिया है सॉफ्ट कंप्यूटिंग का जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि मशीन किस तरीके से वर्क करेगी, किस तरीके से सीखती है, जिसमें न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट होगा, SVM का कॉन्सेप्ट होगा. जनरली जैसे फेस रिकग्निशन किस तरीके से होगा, हाउ टू आइडेंटिफाई फेसेस ऑफ डिफरेंट पर्सन, वॉइस रिकग्निशन कैसे होगा, ये और मशीन और डिफरेंट वर्क्स को किस तरीके से सीखेगी, दैट पार्ट विल कम टू द मशीन लर्निंग. फजी लॉजिक, जिसमें कोई चीज प्रिसाइज नहीं है, कोई चीज फिक्स नहीं है, हम एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक 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 लेवल की बात करते हैं. जैसे हम एज बोले कि वी हैव यंग, वी हैव यूथ, वी हैव ओल्ड एज पर्संस, हम एक स्पेसिफिक एज की नहीं बोल रहे, 30-40. हम स्पीड कंट्रोल, जो आपका है ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन सिस्टम, कि 5 से कम स्पीड हो गई है तो ये गियर रखो, 20 से कम हो गई तो ये स्पीड रखो, मीन्स स्लो, मीडियम, फास्ट, ये स्पेसिफिक कैटेगरी लेके चल रहे हैं हम. 20-25-21-22-23 लेके नहीं चल रहे, क्योंकि उतना सब ले पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है. देन इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन, इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन में हम कैसे ह्यूमन माइंड काम करता है, या जनरली कैसे अलग अलग इंसेक्ट्स और स्पीसीज काम करती हैं, ठीक है, जिसमें पार्टिकल फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन है, या आपका हनी बी कॉलोनी है, आर्टिफिशियल बी कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन है, और आपका ग्रे वुल्फ ऑप्टिमाइजेशन है. ये सारी चीज़ें आपके इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स पे काम करेंगे कि कैसे स्पीसीज काम करती हैं, वो भी एक आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग का पार्ट होगा. और फाइनली प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, जिसमें हम कुछ आइडियाज होंगे प्रोबेबिलिटीज से रिलेटेड, जैसे कि हमारा बेसिस नेटवर्क है. तो ये चार स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं जिन कंपोनेंट्स के बेसिस पे हम टोटल सॉफ्ट कंप्यूटिंग को लेटर ऑन चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे और डिवाइड करेंगे. देन अगर हम जनरली जो चार कंपोनेंट्स पढ़े उसमें से हम जेनेटिक एल्गोरिथम की बात करें, तो एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जेनेटिक एल्गोरिथम सॉफ्ट कंप्यूटिंग में आपकी होगी. तो जैसे स्टार्ट विद रैंडम पॉपुलेशन, सबसे पहले हम टोटल पॉपुलेशन में से रैंडम पॉपुलेशन से स्टार्ट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे दूसरे पॉपुलेशन को, और फिर हम उसमें से जो बेस्ट इंडिविजुअल होगा उसके बीच, उसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन को रैंक करेंगे. सेम फजी लॉजिक का अगर हम एग्जांपल देखें, एक ऑटोमेटिव स्पीड कंट्रोलर, तो स्पीड में टू स्लो, स्लो और किसी एक हम स्पेसिफिक चीज की बहुत क्लोजर आ गए हैं, तो ये सारी चीजें फाइंड आउट हो रही हैं डिस्टेंस की, उसके बेसिस पे हम अलग अलग ऑप्शन पे काम करते हैं. तो गाइस, दिस इज एनफ फॉर दिस वीडियो. अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हार्ड कंप्यूटिंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से ये फर्दर काम करता है. सो गाइस, दैट इज एनफ फॉर दिस वीडियो. टिल देन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.